20 रुपए लीटर का पेट्रोल डीजल 100 रुपए लीटर बेच रहे हो, तुम तो जेब कतरे भी हो, ठग भी हो, झूठे भी हो और सबसे बड़े ढोंगी बैरूपिया भी हो। सच में कोरोना वायरस से ज्यादा खतरनाक मोदी तुम हो। मेरी जहां तक भी नजर पहुंचती है इंसान ही इंसान है। अरे अभी जाइए आप प्रयागराज में, जहां नदी के किनारे जहां जहां आपकी नजर पहुंचती है वहां हिंदुओं के कब्रिस्तान ही कब्रिस्तान दिखते हैं। मोदी जी, इंसानों में नफरत फैलाने वाला आरएसएस, हिंदुओं का ठेकेदार, जानबूझ करके हिंदुओं की हत्या करवाने के, हिंदुओं को कोरोना से मरवाने के लिए कुंभ का स्नान करवाया। ये 25 लाख लोग अपने अपने गांव कस्बे शहर वापस गए तो ये कुंभ स्नान के प्रसाद के साथ में कोरोना मैया का प्रसाद भी वापस लेकर गए। हमारे देश के हिंदुओं की मायों को, उनके पिता को, भाइयों को, बहनों को, बेटियों को, बुजुर्गों को, दादा दादी को कुत्ते चील कौवे गिद्ध खा रहे हैं आरएसएस भाजपा की सरकार के राज में। नरेंद्र मोदी तब नहीं रोए जब मजदूर रेल की पटरी से कटके मर गए। मोदी तब नहीं रोए जब भूखे प्यासे चलते चलते मजदूर जगह जगह पुलिस की लाठियों से पीट के मर गए। मोदी तब नहीं रोए जब मजदूरों की पत्नियों गर्भवती महिलाओं ने सैकड़ों किलोमीटर चलते चलते खुले आसमान के नीचे बच्चे पहले जल लिए। एक कोरोना महामारी की दूसरी लहर के बीच में देश के लिए सबसे बड़ी आफत जो बना वो कुंभ का स्नान बना है। कुंभ के आयोजन के कारण पूरे बड़े भूभाग में भारत में कोरोना फैला। ये रिपोर्ट, ये मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के सूक्ष्म जीव विज्ञान के विभाग का अध्यक्ष प्रोफेसर रमेश चंद दुबे ने अपने शोध पर के बाद ये दावा किया है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात ये कि कोरोना के वायरस पानी में ज्यादा समय तक जिंदा रहते हैं और गंगा में जिंदा रहने का ज्यादा उम्मीद है। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि 25 लाख लोगों ने गंगा में स्नान किया और गंगा स्नान में जितने लोगों को कोरोना का वायरस था वो लोग जब गए होंगे, उनके उन्होंने कूला भी किया होगा, स्नान भी किया होगा, पानी गंगा में थूका भी होगा, वो सारे के सारे वायरस गंगा में बहते हुए और पीने के लिए जो लोग गंगा जल पर निर्भर हैं उन सब गांव में भी कोरोना फैलाने का सबसे बड़ा जरिया बना गंगा जल का वह पानी जिसमें 25 लाख लोगों में कोरोना पॉजिटिव लोगों ने डुबकी लगाई। और दूसरी बात, जब ये 25 लाख लोग अपने अपने गांव कस्बे शहर वापस गए तो ये कुंभ स्नान के प्रसाद के साथ में कोरोना मैया का प्रसाद भी वापस लेकर गए। एक ग्रुप था जो करीब करीब 83 लोगों का, उनमें से 61 लोगों की जांच की गई और 61 लोगों में से 60 लोग कोरोना पॉजिटिव थे, कोरोना से संक्रमित थे और 22 लोग अंडरग्राउंड हो गए। तो अब आप ये समझ लीजिएगा कि कोरोना किस रफ्तार में फैला होगा 25 लाख लोग जब इकट्ठे हुए। लेकिन सबसे बड़ी हैरानगी की बात है, हम कोरोना की दूसरी लहर में जहां हजारों लोग रोजाना जान जा रही हो तब कुंभ का आयोजन करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, दुनिया में मुसलमान हज पर आए वो कोरोना संक्रमण से उनका उनको नुकसान ना हो, उनका जीवन खतरे में ना पड़े, वापसी में उनका गांव, उनका शहर, उनका देश खतरे में ना पड़े, इसलिए हज यात्रा को पर रोक लगा दी गई। ईसा मसीह के प्रतिनिधि पोप ने चर्च में प्रार्थना पर रोक लगा दी। सिखों ने धार्मिक कार्यों को की रफ्तार को, धार्मिक आयोजनों को धीमा कर दिया और देश को दुनिया को बचाने के लिए खाने के लंगर से लेकर के ऑक्सीजन के लंगर तक और सीटी स्कैन के लंगर से अब दवा बड़े बड़े आईसीयू के उपचार करने की तरफ बढ़ रहा है। और हमारे देश के अंदर तथा कथित हिंदुओं के ठेकेदार आरएसएस, तथा कथित कहूंगा, हमारा ठेकेदार नहीं है, मैं भूपेंद्र राव हूं तो मेरा ठेकेदार आरएसएस नहीं हो सकता,
इंसानों में नफरत फैलाने वाला आरएसएस हिंदुओं का ठेकेदार जानबूझ करके हिंदुओं की हत्या करवाने के, हिंदुओं को कोरोना से मरवाने के लिए कुंभ का स्नान करवाया। और क्या हुआ है आपको बताता हूं, एक एक अखाड़े के हजारों हजार साधुओं की कोरोना से जान जा रही है। मैं दूसरा जिक्र करना चाहता हूं आपको, आपने देखा होगा हमारे देश के अंदर अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री रो रहे थे, और दूसरी तरफ जो कहते हैं कि हम इसको हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। कैसा हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? 25 लाख लोगों का कुंभ स्नान करा करके पूरे देश में कोरोना फैलाएंगे, दूसरे हिस्से में भी फैलाया उन्होंने कोरोना। नरेंद्र मोदी अमित शाह की रैलियों को सफल बनाने के लिए देश भर के भाजपा भीड़ लेकर के गई भाड़े के कार्यकर्ताओं का, और उन कार्यकर्ताओं ने जहां बंगाल में जगह जगह जहां से मोदी जी कहते थे, कह रहे थे मेरी जहां तक भी नजर पहुंचती है इंसान ही इंसान है, अरे अभी जाइए आप प्रयागराज में, जहां नदी के किनारे जहां जहां आपकी नजर पहुंचती है वहां हिंदुओं के कब्रिस्तान ही कब्रिस्तान दिखते हैं मोदी जी, और मोदी रो रहे थे। मोदी बड़े चतुर है, मैं आपको बताना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी उस दिन नहीं रोए जिस दिन गंगाराम हॉस्पिटल में लोग इसलिए मर गए कि हमारे देश की 9500 मीट्रिक टन ऑक्सीजन, इस साल की बात मैं कर रहा हूं जब वैज्ञानिकों ने चेता दिया था कि दूसरी लहर आने वाली है, नरेंद्र मोदी जी ने दलाली लेकर के हमारे देश के लोगों के जीवन की प्राण वायु विदेशों में बेची दलाली देकर, और तब बिना ऑक्सीजन के गंगाराम हॉस्पिटल में लोगों की जान गई, जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल में लोगों की जान गई, हरियाणा के हॉस्पिटल में तारीख नहीं बताऊंगा, महाराष्ट्र के हॉस्पिटल में, गुजरात के लिए भी नहीं रोए। अभी देखिए गोवा में भी निरंतर सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद भी जान गई है, नरेंद्र मोदी नहीं रोए। बक्सर का मैं जिक्र कर रहा हूं, बिहार का, जहां पहली बार मानवता शर्मसार हुई, 45-50-100 वहां दिखे एकदम गंगा में, जिन्हें कुत्ते नोच करके खा रहे थे, चील और कौवे खा रहे थे, उस दृश्य को देख करके नरेंद्र मोदी नहीं रोए। नरेंद्र मोदी नहीं रोए कि इन्होंने भारत का ऑक्सीजन विदेश भेज दिया और देश के लोग बिना ऑक्सीजन के मर गए, इस पर नहीं रोए इतनी बड़ी हत्या करने पर। नरेंद्र मोदी इसलिए नहीं रोए कि कोरोना की दूसरी लहर में कुंभ स्नान करके पूरे भारत को बर्बाद कर दिया, खत्म कर दिया, नरेंद्र मोदी नहीं रोए। नरेंद्र मोदी नहीं रोए 14 मई को दैनिक भास्कर के 55 पत्रकारों की रिपोर्ट दुनिया ने पढ़ी, ऐसा तो हो नहीं सकता है कि नरेंद्र मोदी ने नहीं पढ़ी होगी। मोदी जी नहीं रोए उस रिपोर्ट को 1140 किलोमीटर की दूरी पर, जहां गंगा में 2000 से ज्यादा सौ के फोटो सहित तमाम पूरे विवरण उसमें दिए गए थे, नरेंद्र मोदी जी आप नहीं रोए। अब रोए आप जिस दिन नरेंद्र मोदी रोए हैं, उस दिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि नदी में लाशों का बहुत बड़ा 2000 लाशें नहीं दिख रही होंगी, कि राहुल गांधी को पता था कि कोरोना हमारे देश को बर्बाद कर सकता है, और यदि यह बात नरेंद्र मोदी को मालूम नहीं थी तो ऐसे मूर्ख व्यक्ति को, ऐसे गधे को एक मिनट कुर्सी पर रहने का हक नहीं है। और यदि नरेंद्र मोदी को भी राहुल की तरह ज्ञान था कि हां कोरोना से देश बर्बाद हो सकता है, लेकिन नरेंद्र मोदी ने अपने दोस्त डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका में चुनाव के लिए हवा बनाने के लिए गुजरात में अहमदाबाद में नमस्ते ट्रंप कराने के लिए, और सरदार पटेल के नाम पर जो स्टेडियम था उसे अपने नाम कराने के लिए, अगर देश के साथ गद्दारी की है, जानबूझ करके कोरोना ने झोंका है, तो इस गद्दार को कुर्सी पर रहने का बिल्कुल हक नहीं है। मुकदमा करना हो मोदी करे, अगर राहुल गांधी से कम ज्ञान है तो नालायक को कुर्सी पर रहने का हक नहीं है, और बराबर का ज्ञान है तो उसी दिन कोरोना से देश को बचाने की पहल क्यों नहीं की गई। पर मैं बताना चाहता हूं आपको षड्यंत्र का था, षड्यंत्र यह था कि एक तो डोनाल्ड ट्रंप का हवा खड़ा कराना था, सरदार पटेल के नाम पर जो स्टेडियम था उसे अपने नाम करवाना था, और मध्य प्रदेश में कमलनाथ की चुनी हुई सरकार को गिराना था। मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्त देशवासियों, 31 जनवरी से लेकर के 19 मार्च तक नरेंद्र मोदी कभी कोरोना का कान नहीं बोले, और 19 मार्च को जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शुक्रवार को
20 मार्च को सदन में बहुमत साबित करे कमलनाथ की सरकार, तो शाम को बहरूपिया टीवी के चैनल पर आयर बोले 22 तारीख को सुबह 7 बजे से 9 बजे तक सब लोग जनता कर्फ्यू लगाएंगे और ताली और थाली घंटी घड़ियाल बजाएंगे। क्यों? क्योंकि उसके अगले दिन 23 तारीख को पहले से तय हो गया था सरकार गिर गई है, शिवराज सिंह चौहान को शपथ ग्रहण करा करके लॉकडाउन कराने का। नरेंद्र मोदी उस दिन नहीं रोए जब चलते चलते मजदूर भूख से मरते गैम की लाशें दिख रही थी। नरेंद्र मोदी तब नहीं रोए जब चलते चलते मजदूर उनके बच्चे बीवियों के पैर में खून और पस्त पक रहा था। नरेंद्र मोदी तब नहीं रोए जब मजदूर रेल की पटरी से कट के मर गए। मोदी तब नहीं रोए जब भूखे प्यासे चलते चलते मजदूर जगह जगह पुलिस की लाठियों से पीट के मर गए। मोदी तब नहीं रोए जब मजदूरों की पत्नियों गर्भवती महिलाओं ने सैकड़ों किलोमीटर चलते चलते खुले आसमान के नीचे बच्चे पहले जल लिए। नरेंद्र मोदी तब नहीं रो रहे हैं जब देश में हमारे देश के करोड़ों लोग बिना जांच के बिना दवा के बगैर उपचार के तड़प रहे हैं और उनमें से बड़ी संख्या में लोग मर रहे हैं। ये जो आंकड़े हैं सरकारी कागजातों के, ये आंकड़े पूरे नहीं हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं 2,99,000 लोगों की जो मौत है, मैं किसी भी कीमत में नहीं मानता हूं कि यह प्रमाणिक तौर पर है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 403 विधायकों में से 10 विधायकों की कोरोना से मौत हो चुकी है। इसका मतलब यह हुआ कि 2.5% वो तबका जो वेदांता में भी इलाज करा सकता है, मान्यवरों की मृत्यु की संख्या 2.5% है, तो आम नागरिक की कितनी होगी। मैं इसलिए कहना चाहता हूं आपसे, मैं अपील करता हूं कि निश्चित तौर पर नरेंद्र मोदी ये बताएं कि कुंभ स्नान के बाद जो अखाड़ा में बाबाओं की कोरोना हत्या कर रहा है उनको बचाने के लिए आप क्या कर रहे हैं। हमारे देश के हिंदुओं की मायों को, उनके पिता को, भाइयों को, बहनों को, बेटियों को, बुजुर्गों को, दादा दादी को कुत्ते चील कौवे गिद्ध खा रहे हैं आरएसएस भाजपा की सरकार के राज में। और आरएसएस मुखिया मोहन भागवत एक दिन टीवी में आए थे, कहा नकारात्मक सकारात्मक है, नकारात्मक बनाइए, मतलब जिसका माँ मर गया तो कोई बात नहीं है, हंसते हंसते माँ को फेंको नदी में बहा दो ताकि उसे कुत्ते खाते रहे, उसे बाघ क्या कहते हैं बाज और गिद्ध और कौवे खाते रहे। मैं आपको बताना चाहता हूं, मोदी जी बोल रहे थे चुनाव में कि जहां तक नजर जाती इंसान ही इंसान है। मैं आपको फिर कहना चाहता हूं, नदी किनारे शमशान घाट में जाओ, जहां तक आपकी नजर पहुंच सकती है, कैमरा पहुंच सकता हो, वहां तक हिंदुओं का रेतीला कब्रिस्तानी कब्रिस्तान बन चुका है। और आरएसएस के लोग हिंदुओं के जिनके शवों को कुत्ते खा रहे हैं, जंगली जानवर खा रहे हैं, उनके दाह संस्कार के लिए भी आगे नहीं आ रहे हैं। मैं फिर कहना चाहता हूं कि कुंभ के स्नान से वैज्ञानिक बोल चुके हैं कि कुंभ में पानी के अंदर से कोरोना फैलता है, और जो हमारे देश में नर्मदा से लेकर यमुना से लेकर माँ गंगा से लेकर सब में 100 टीके हैं कोरोना के, तो जिनको कुत्ते मच्छी चील कौवे खा रहे हैं वो नदियों में प्रदूषण भी फैला रहे हैं और कोरोना का वायरस भी फैला रहे हैं। और हमारे देश के अंदर अब आपको तय करना पड़ेगा कि एक तरफ हमारे देश के हिंदुओं की माँ को, बाप को, भाई को, बहन को, बेटा को, बेटी को चील कौवे गिद्ध और कुत्ते खा रहे हैं क्योंकि उनके पास जलाने के लिए लकड़ियां नहीं, पैसा नहीं है, और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी अपने लिए महल बना रहे हैं सपनों का, नया संसद भवन बना रहे हैं और पूरे देश में कोरोना में फैला रहा। आखिरी बात, नरेंद्र मोदी आप रो रहे थे तो 10 मई को रोते अगर, हाँ, बक्सर में वो लाश जो मंजर था इंसानियत को शर्मसार करने वाला, 14 को रो लिए होते जब आप किसानों को धन बांट रहे थे, लेकिन तुमको पता लग गया मोदी हर धन क्या बांट रहे थे, तुमने तो पहले रेट बढ़ा दिए, 300 का सिलेंडर 800-200 रुपए का कर दिया, 20 रुपए लीटर का पेट्रोल डीजल 100 रुपए लीटर बेच रहे हो,
तुम तो जेब कतरे भी हो, ठग भी हो, झूठे भी हो और सबसे बड़े ढोंगी बैरूपिया भी हो, सच में कोरोना वायरस से ज्यादा खतरनाक मोदी तुम हो। पहली बार तुमने ट्रंप के लिए और कमलनाथ की सरकार गिराने के लिए हमारे देश को कोरोना से बचाने का काम नहीं किया और अब की बार तुमने फिर हमारे देश को क्योंकि सब कुछ बर्बाद कर दिया, सीमा पर चीन ने कब्जा कर दिया, ध्यान भटकाने के लिए तुमने कुंभ स्नान करा करके पूरे न केवल साधु और संतों को बल्कि पूरे देश को कोरोना की आग में झोंक दिया और पैसा नहीं है ये रोना रोते हो और अपने लिए महल और संसद क्या कहते हैं नया संसद भवन बनाते हो।